आदाब नाजरीन, उर्दू न्यूज बुलेटिन पेश करने से पहले हदीस मुबारक पेश है। हजरत इब्ने मसूद, हजरत इब्ने उमर और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन पर अहद तोड़ने वाले के लिए एक झंडा होगा, कहा जाएगा कि यह फलां की बदअहदी का निशान है। बुखारी व मुस्लिम। ए इंद्राकन रेड्डी, वजीर जंगलात व एंडोमेंट कानून की कल भैंसा संजय रेड्डी फैक्ट्री टीआरएस कायदीन के इजलास में आमद पर रुकन असेंबली ताला अहमद और जी विठल रेड्डी ने उनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। रुकन पार्लियामेंट उम्मीदवार जिले आदिलाबाद नागेश्वर विठल राव, जिले इंचार्ज राजेश बाबू जी मुरलीगढ़, एएमसी चेयरमैन एजाज अहमद खान, नायब सदर फारूक अहमद सिद्दीकी, विलास गादेवार, बासर सरपंच लक्ष्मी राव, सूर्याकांत रेड्डी साबिका ZPTC, ओला माविन सरपंच अहमद पाशा और दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। रुकन असेंबली ताला अहमद ने कुंटाला और मदोल मंडल के अराजी कालेश्वरम प्रोजेक्ट लिफ्ट इरीगेशन में जाने के बाद उसकी रकम आज तक काश्तकारों को ना मिल सकी। भरपूर नुमाइंदगी की बाद फारूक अहमद नायब सदर ने डिग्री कॉलेज के गेस्ट लेक्चरर्स के एजाजिया जून से अभी तक की इजराई रुकी हुई है उसे नुमाइंदगी करते हुए बहाल करने की बात कही ताकि लेक्चरर्स को राहत मिल सके। बाद मिनिस्टर ए इंदिराकरण रेड्डी की शालो गुलपोश की गई। इंदिराकरण रेड्डी ने तमाम देरी मसाइल को फौरी हल करवाने का तय खून दिया। मधोल गुरुकुला पाठशाला में इंटरमीडिएट इम्तिहान देने आने वाली मुस्लिम तालिबा से रूम नंबर 3 के निगरान का रामचंद्र की नाजिबा हरकत और चेकिंग के नाम पर परेशान करना एक उस्ताद के मर्तबे को परागंदा करने की कोशिश की है। तालिबात परेशान होकर अपने सरपरस्त को इसकी शिकायत की, जिस पर सरपरस्त ने इंटरमीडिएट सेंटर गुरुकुला पाठशाला पहुंचकर एहतजाज किया। गुरुकुला पाठशाला प्रिंसिपल ने मीडिया को बताया कि मस्कूरा इंस्ट्रक्टर को हटा दिया गया और उसकी शिकायत पुलिस को कर दी गई। औलिया तुलबा ने भी एक पिटीशन मदोल एसआई बी प्रभाकर को पेश की। बी प्रभाकर ने बात तहकीकात कार्रवाई करने का तय खून दिया। प्रिंसिपल बहुत गधे की नजर है मेरे को। उनके आदि थोड़ी देर स्कूल में రెండు పేపర్లు చివరి పేపర్ ఉండగా ఈరోజు గురుకుల పాఠశాలలో ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తున్న రూమ్ నెంబర్ 3లో ఇన్సులేటర్ గారు అసభ్యకరంగా తర్వాత ఆడపిల్లలు ఆడపిల్లలను చూడకుండా కూడా వాళ్ళ స్క్రాప్ తీపిచ్చి ఏదో చెక్ చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో
కాలేజీకి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ ప్రిన్సిపాల్ని వాళ్ళ విద్యార్థులను కనుక్కొని వాళ్ళని సంధానించి పంపి చేసినాను. తర్వాత వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఈరోజు ఇప్పుడు ఒక పిటిషన్ తీసుకొని వచ్చి వస్తే దానిపై దర్యాప్తు జరుగుతున్నారు. దర్యాప్తు అయిన పిల్లలు చర్య తీసుకోవచ్చు. रुकना संभली तालुका मदौल ने कल तालुका मदौल के 30 मसाजिद व दरगाहों में जुमला 517,450 के चेक की तकसीम अमल में लाई, जिसमें भैंसा नूर मस्जिद, काली मस्जिद, सोफी सरमस दरगाह भी शामिल है। इस मौके पर फारूक अहमद, एजाज अहमद खान व दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। हाई स्कूल के 4 साल मियाद की कामयाबी पर इंतजामिया स्कूल ने एक दुआई तकरीब का इनेकाद अमल में लाया। इस तकरीब में मेहमाना ने खुदूसी के तौर पर हाफिज मोहम्मद सलमान, हाफिज मोहम्मद अब्दुल लतीफ, हाफिज मोहम्मद अब्दुल राफे व दीगर ने शिरकत की। तिलावत कुरानी के बाद हाफिज मोहम्मद सलमान स्कूल इंतजामिया की तरक्की और तुलबा व तलबात के मुस्तकबिल के लिए दुआ की। अल्लाह उन्हें हमेशा कामयाबी से सरफराज करे। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया इदार अहमद अब्दुल अहद मुदरसिन स्कूल तुलबा व तलबात मौजूद थे। बाद हजार ताम का नज़्म किया गया। फरमाइए अल्लाह उसका भी अल्लाह दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह बेहतर बदल अता फरमाइए, बेहतर सिला अता फरमाइए। अल्लाह इज्जत के बाद जिल्लत से बचा दीजिए, नेक नामी के बाद बदनामी से बचा दीजिए। अल्लाह ये ब्याज के जरिए सेम स्कूल का अल्लाह एक नेक नाम को रोशन फरमा दीजिए, इसके जरिए से इस स्कूल को मुस्तहकम होने के रास्ते हमवार फरमाइए, असबाब पैदा फरमाइए, असबाब पैदा फरमाइए। ऐ करीम रब छोटे से अल्लाह इस इदारे को अल्लाह इन्होंने छोटी सी इमारत में आवाज किया है, अल्लाह पे वक्त भी लाइए जिसके जरिए से एक बेहतरीन अल्लाह मुस्तहकम तामीर इनको हासिल हो जाए, उसमें अल्लाह खैर का काम करने लग जाए, अल्लाह इल्म की शमा रोशन होने लग जाए। अल्लाह ऐसे असबाब पैदा फरमाइए, हौसलों को बुलंद फरमाइए, अपनी शायरा शान इन्हें कामयाबी नसीब फरमाइए। असातिज़ा के और सरपरस्तों के दिलों में अल्लाह नेक तमन्नाएं हैं, अल्लाह हम सब की नेक तमन्नाएं हैं, अल्लाह इसके साथ वाबस्ता है इसको पूरा फरमाइए। अल्लाह ये बच्चे अपने दिल दिल में अल्लाह कामयाबी की उमंगे ले बैठे हैं, अल्लाह कामयाबी की दुआएं कर रहे हैं, इनकी दुआओं को रद्द न कीजिए, अल्लाह इनको रद्द न कीजिए बल्कि अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। इनकी छोटी छोटी मोटी मेहनतें अल्लाह जाया ना होने दीजिए। अल्लाह हो सकता है कि साल भर कुछ कमी कोताही हो गई हो, आखिर दिनों की कुछ मेहनतों को अल्लाह वो कमी कोताहियों को ढाल दीजिए, अल्लाह तरक्की दे दीजिए, आगे आइंदा तरक्कियों से पहुंचने के रास्ते हमवार कर दीजिए। अल्लाह खूब खूब कामयाबियों से इन्हें मालामाल फरमाइए। अल्लाह हमारी इस दुआ को अपने करम से फजल से कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इन बच्चों के वालिदैन की भी बड़ी उम्मीदें और ख्वाहिशें लगी होती है कि हमारे अपने ये बच्चे बच्चियां अल्लाह पढ़ करके कामयाबी हासिल करें। अल्लाह उनके उस नेक तमन्ना और ख्वाहिशों को पूरा फरमाइए। अल्लाह नेक तमन्ना और ख्वाहिशों को पूरा फरमाइए। अल्लाह ये बच्चे अब पढ़ करके आगे जाएंगे लेकिन अल्लाह इन असातिज़ा से इस स्कूल से इनका रास उतराबता बाकी। मुस्लिम इदारों के जिम्मेदारों वो असातिज़ा की मेहनत और जुस्तजू का नतीजा है कि मुस्लिम माशरे में तुलबा के साथ तालिबात भी तालीमी मैदान में तरक्की कर रहे हैं। ये बात मोतीमी में तालीमात सुभाष ने इस्लामी हाई स्कूल साइंस डे के मौके पर मुखातिब होते हुए किया। इन्होंने मजीद कहा कि आज का ये प्रोग्राम इस बात का जामिन है कि इंतजामिया और तुलबा व तलबात का मुस्तकबिल जरूर दरख्शां होगा। स्कूल सदर मुदरिस मोहम्मद अब्दुल बासित ने मदरसे की तफसीलात पेश की। बाद अदा फैजुल्ला खान काउंसलर वार्ड नंबर 4 ने तुलबा व तलबात के मेहनत को सराहते हुए ताला इम्तिहान में दर्ज अव्वल और दर्ज दुअम से कामयाब होने वाले तुलबा व तलबात में नक़द रकम बतौर इनाम देने अपनी जानिब से बात कही। इस मौके पर सैयद पाशा नुमाइंदे रहनुमाय दक्कन, अकबर खान, निज़ामबाद टाइम्स, रहमत खान व दीगर काउंसलर्स, मजलिसी काउंसलर कायदीन वो तुलबा तलबात और सरपंच साहिबीन मौजूद थे। अगर हमें जा रहा है साथ साथ आप
अभी आप पढ़ रहे हैं अभी आप यहाँ सुन रहे थे मैं अभी अभी हर चीज़ इन्हें देख से उनको भी अभी पढ़ाने के लिए अपने पूरा कोशिश करना भी अपन पूरा पूरा प्रोसेस करने में पूरा अंदर थोड़ा सा करके पढ़ने के लिए कोशिश करता अभी अभी
भाई साहब निर्मल चाहरा माटेगांव ब्रिज पर बैल बंडी और बाइक हादसे में एक शख्स जाय मुकाम पर ही फौत हो गया। तफसीलात के बावजूद बैल बंडी से खेत में काम करने के बाद दीपक नामी नौजवान घर वापिस हो रहा था, उतने में तेज आने वाली बाइक जिस पर सवार नागाराव तानाजी पीछे से बंडी को टक्कर दे दी। बाइक सवार तानाजी जाय मुकाम पर ही फौत हो गया। नागाराव शदीद जख्मी होने पर निजामबाद रवाना किया गया। दीपक का इलाज भैंसा एरिया दवाखाने में किया जाए। पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। न्यूज़ बुलेटिन यहीं खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अशफाक अहमद।